क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। इस नाम की तो पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि ये नाम बनाने में उस बंदे ने कितनी मेहनत की है? क्या है नंबर 7 की जर्सी के पीछे का स्ट्रगल? अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना, लेकिन अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए ना तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। वो कहते हैं ना कि 2 मिनट की शोहरत के पीछे 10 सालों की कड़ी मेहनत छिपी होती है। ऐसा ही कुछ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी में। एक माली के लड़के में फुटबॉल खेलने का इतना ज़्यादा जुनून था कि उसने सारी हदें ही पार कर दी। जिसकी माँ कुछ पैसों के लिए दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाती थी। जिस बंदे को 15 साल की उम्र में एक ऐसी गंभीर बीमारी जकड़ा कि जब डॉक्टरों ने यह तक भी कह दिया कि ये कभी भी फुटबॉल नहीं खेल सकता है, लेकिन तब फुटबॉल रोनाल्डो की जान बन चुका था। और तभी रोनाल्डो ने सर्जरी करवाने का डिसीजन लिया। इस बंदे ने अपने पैशन को फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाए, क्योंकि इसे विश्वास था कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। दुनिया में 9% लोग ही अपने पैशन को फॉलो करते हैं, बाकी के 91% लोग उन्हीं 9% लोगों के लिए काम करते हैं। इस बंदे के कुछ फैक्ट सुनोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ऐसे बंदे के लिए कामयाबी दूर नहीं रह सकती है। रोनाल्डो कुछ बताते हैं कि उन्होंने रात को ऑफिस खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा, तो उनके कोच ने सोचा कि मीडिया वाले कोई जासूसी कर रहे हैं। लेकिन पूछताछ करने के बाद पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के साथ अकेले ही प्रैक्टिस में लगे थे ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शॉवर लेने चले आते थे तब भी यह बंदा अकेले प्रैक्टिस करता रहता था। इस बंदे ने कभी भी भीड़ के साथ चलना नहीं सीखा, क्योंकि यह बंदा भीड़ से कुछ अलग करने का जज्बा रखता है। ज़्यादा शराब पीने से 52 साल की उम्र में ही इनके पिता की मौत हो गई थी। उसी वजह से इस बंदे ने आज तक भी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया था। इस बंदे के अंदर पैशन फॉलो करने का इतना ज़्यादा पागलपन था कि यह बंदा हार्ड वर्क करने से कभी नहीं चूका। रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं कि चैंपियंस लीग के मैच खेलने के बाद भी रोनाल्डो जब रात को 2 बजे शहर लौटते थे और उनके सारे साथी घर चले आते थे, तब भी यह बंदा रात को ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता था। मैच जीतने के बाद भी, दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी, यह बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता था। और ऐसा ही कुछ होता है वीनस का एटीट्यूड। खिलाड़ी तो कई हैं, पर इस बंदे जैसा हार्ड वर्क कोई भी नहीं करता। दोस्तों, 1 तो हो जाते हैं, लेकिन 1 की पोजीशन पर बने रहना सिर्फ कोई रोनाल्डो जैसा ही कर सकता है। यह बंदा हमेशा ही कुछ नया करने की सोचता है। रोनाल्डो प्रैक्टिस करते समय 23,000 किलो वजन उठाते हैं, जो कि 16 टोयोटा कार के बराबर होता है। रोनाल्डो जब जंप लगाते हैं ना तो वो जंप लगाते समय चीते से 5 गुना ज़्यादा शक्ति लगाते हैं। रोनाल्डो की फ्री किक की तेज़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब 31 मीटर प्रति सेकेंड है, जो कि एक अपोलो 11 के रॉकेट से भी 4 गुना ज़्यादा है। रोनाल्डो ने अपने सिर की मदद से 107 गोल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इन्हीं कुछ कारणों से यह बंदा 1 की पोजीशन पर रहता है। वैसे सब लोग इन्हें रोनाल्डो कहते हैं, लेकिन शायद किसी को नहीं मालूम होगा कि रोनाल्डो का नाम अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इनके पिता एक्टर से राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रीगन के सबसे बड़े फैन थे। दोस्तों, आज इस बंदे के इंस्टाग्राम पर 257 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं, क्योंकि इसके पीछे उसका हार्ड वर्क है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस स्ट्रगल को एक सैल्यूट तो बनता है। दोस्तों, आज मैंने मोटिवेशनल फैक्ट्स वीडियो बनाई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।